प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भिन्न और भिन्न के प्रकार। कक्षा 6, 7 और 8 में ये टॉपिक लगता है। जब तक भिन्नों के बारे में ज्ञान नहीं होता तब तक सही से अगर हम क्वेश्चन निकाल भी लें तो उनके उत्तरों का भी पता नहीं चलता कि सही है या गलत, क्योंकि हम उत्तर निकालते हैं दशमलव भिन्न में। जैसे उत्तर मिल जाता है पीछे मिश्र भिन्न में तो हम सोचते हैं कि उत्तर गलत हो गया। तो ये जो मिश्र भिन्न, दशमलव भिन्न, सरल भिन्न, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो भिन्न होती क्या है सबसे पहले तो इसके बारे में हम पढ़ें। तो अंश बटे हर के रूप में हमें भिन्न मिलती है, और जब अंश के अंदर हर का भाग लगा दें तो हमें दशमलव भिन्न मिलती है। तो भिन्न होती है उचित भिन्न, और अनुचित भिन्न, अनुचित या विषम भिन्न। उचित भिन्न तो वो होती है जिसके अंदर अंश है वो हर से हमेशा छोटा मिलता है। उचित भिन्न के अंदर अंश है वो हर से हमेशा छोटा मिलता है। जैसे 4/5, 2/3, 7/9, 11/13, यानी ऐसी भिन्न सभी भिन्नों में देखिए आप अंश जो है वो हर से छोटा है। इस प्रकार की भिन्न को बोलते हैं उचित भिन्न। अनुचित या विषम भिन्न बोलते हैं ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो जाए हर से। जैसे इस भिन्न का व्युक्त कर्म कर दिया जाए उचित भिन्न का तो वो अनुचित या विषम भिन्न कहलाती है। 5/4 या 3/2 या 9/7 या 13/11, ये वैसे तो इसका कहलाता है व्युक्त कर्म, यानी उल्टा हो गया है, भिन्न का व्युक्त कर्म कहलाता है। लेकिन अब इन भिन्नों को यदि हम देखें तो ये जो भिन्न है अब ये कहलाएंगे अनुचित भिन्न। अब अनुचित भिन्न का सही रूप हम इस प्रकार से न लिख करके इसको भाग दे करके मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। जैसे इन भिन्नों को हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें तो 5 में भाग दें 4 का, तो देखिए 4×4 बच गया 1। जो शेष पल बचता है उसको तो ऊपर अंश के रूप में लिखा जाता है, और जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको हर के रूप में लिखा जाता है। यानी कि 5/4 ये तो है आपका रूप है अनुचित भिन्न के रूप में। और अब इस भिन्न को इस प्रकार से लिखने पर अब इसको बोलते हैं मिश्र या मिश्रित, मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न। हमने पढ़ा होगा बहुत सारे क्वेश्चनों में इस प्रकार से 2/1/3, 3/2/5, ये जो इस प्रकार की भिन्न हैं इनको बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न का ही एक रूप है मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न जो है मिश्र भिन्न को भी हम सरल या दशमलव भिन्न में भी लिख सकते हैं इसको हम। ये तो हमने मिश्र भिन्न में लिखा है, इसे ही हम दशमलव भिन्न में भी लिखा जा सकता है। 5 में जैसे 4 का भाग दें तो 4×4 शेष पल बच गया 1। यदि हम इसको मिश्र भिन्न में न लिख करके दशमलव भिन्न में लिखें तो दशमलव भिन्न में भी लिखा जा सकता है। जैसे 1 बच गया, दशमलव लगाएं, हमें पता है कि दशमलव की 0 लगाई जाती है। अब फिर से भाग देंगे 4×2 8, बच गया 2, और फिर एक दशमलव की 0, 4×5 20, यानी ये 1.25 है, ये दशमलव भिन्न है। लेकिन 1.25 बराबर है 1/1/4 और बराबर है 5/4 के, यानी कि तीनों ही उत्तर यदि आपने सवाल का उत्तर ये निकाल रखा है तो भी आपका सही है, ये उत्तर निकाला है तो भी सही है, ये उत्तर निकाला है तो भी सही है। ये सिर्फ भिन्नों में अंतर है, देखने में अलग दिखाई दे रहे हैं, बाकी इनकी वैल्यू एक ही है।
ये दशमलव भिन्न में उत्तर हो गया, ये मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न बोल दें, और ये विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में उत्तर हो गया, बाकी है तीनों एक ही चीज़ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप में उत्तर दिए हुए हैं, जैसे ए में दे दिया 1.25 या 1/4, बी में दे दिया 1/4, सी में दे दिया 2/1/4 और डी में दे दिया 2.25। अब बच्चे ने क्या है कि ज़्यादातर दशमलव भिन्न में उत्तर निकालते हैं, बच्चे ने उत्तर निकाला जैसे ये, अब उसको पता ही नहीं है कि उसका उत्तर तो 1.25 आ रहा है, अब ऐसा उत्तर उसमें मिल ही नहीं रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा है, तो वो क्या करता है कि ये उत्तर लिख देता है। तो यदि मिश्र भिन्न को दशमलव भिन्न में या विषम भिन्न को मिश्री भिन्न में या विषम भिन्न को दशमलव भिन्न में अगर आपस में कन्वर्ट करना आता हो तो इस प्रकार की तकलीफ नहीं होती है, वरना तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन निकाला हुआ गलत हो जाता है जब उत्तर छांटे जाते हैं। अब ये है तो इसका 1/1/4 बनेगा, जबकि ज़्यादातर बच्चे तो दशमलव भिन्न में उत्तर निकालेंगे, वो यही उत्तर करेंगे। तो इस प्रकार से भिन्नों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और ये छोटी क्लासों में ही होता है, बड़ी क्लासों में जा करके इनके बारे में कोई नहीं बताता है। आगे देखें, अब ये तो आ गई भिन्नों की बात कि उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, अनुचित या विषम भिन्न वो होगी जिसका अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, यानी कि उचित भिन्न का व्युक्त क्रम ही अनुचित भिन्न होता है। और फिर इसके अंदर विषम भिन्न के प्रकार होते हैं ये, कि इसको इस प्रकार से मिश्र भिन्न में भी लिखा जा सकता है और सीधे भी लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के रूप में भी और दशमलव भिन्न के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद इन्हीं सारी संख्याओं के जोड़ घटाव और गुणा भाग, बहुत सारे बच्चों को भिन्नों के जोड़ घटाव नहीं आते, और भिन्नों के जोड़ घटाव नहीं आने पर आगे मैथ के अंदर उनको इतनी प्रॉब्लम और इतनी दिक्कत आती हैं कि फिर उनको लाख बार समझाने के बाद भी सवाल समझ में नहीं आते, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि इनके जोड़ घटाव होते कैसे हैं। तो सबसे पहले जोड़ करते हैं हम सीधे उचित भिन्नों के, जैसे 5/4, इसमें जोड़ना है अपने को 1/2। जब सॉरी 1/5, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके अंदर अंश दोनों ही भिन्नों में बराबर हैं और जोड़ना है इनको। अगर ऐसे दोनों ही भिन्नों में अगर बराबर अंश हर आ जाएं तो लघुत्तम लेते समय ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दोनों के बटा में जो राशि है उसमें से कॉमन राशि लघुत्तम ले ली जाती है। लेकिन सिस्टम जो इसमें करवाऊंगा वो आगे वाले सवालों में भी होगा, जो इसको बोलते हैं LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य, दोनों का लघुत्तम लिया हमने 5। लघुत्तम ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं का लघुत्तम हम ले रहे हैं उन संख्याओं का भाग उसमें पूरा पूरा जाना चाहिए, यानी लघुत्तम की परिभाषा होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, यानी जिन संख्याओं का हम लघुत्तम ले रहे हैं उनका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे कि इन दोनों का लघुत्तम मैंने 5 लिया है तो इन दोनों का भाग 5 में जाना चाहिए। तो देखिए 5 का भाग इसमें 5 में जा रहा है, इस 5 का भाग भी 5 में जा रहा है, इसीलिए लघुत्तम 5 लिया गया है। अब देखें लघुत्तम लेने के बाद क्या करना होता है, लघुत्तम लेने के बाद जैसे ये नीचे राशि है इसका इसमें भाग लगाना होता है, यानी 5 में 5 का भाग लगाएं तो ये आता है 1 भागफल। जो भागफल आ गया उस भागफल का गुणा अंश के साथ करना होता है, ऊपर अंश है 4, भागफल आया 1, तो 1 गुणा में 4 प्लस इस 5 का भाग भी जब 5 में देंगे तो 1 ही भागफल आएगा, और इस 1 का गुणा ऊपर 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 गुणा 1,
तो ये आ गया चार एकन चार प्लस ये आ गया एक एकन एक बटे में आ गया पाँच, चार और एक पाँच बटे में आ गया पाँच, पाँच में पाँच का भाग दें तो एक। तो इस प्रकार से इन दोनों का जोड़ एक बनेगा। जब दोनों के बटा में एक जैसी राशि हो तो हम इसको सीधा कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको पूरा सवाल करने की प्रक्रिया बताई, अगर एक न हो तो भी होगी ऐसे ही। अगर दोनों के बटा में एक जैसी राशि हो तो हम इसको सीधा ही कर सकते हैं। ऊपर वालों का जोड़ कर दो, चार और एक पाँच, और नीचे वाले का लघुत्तम लिख दो नीचे पाँच, पाँच में पाँच का भाग दें एक। कोई भी संख्या ऐसे हो जैसे सात बटे तेरह प्लस में छः बटे तेरह, दोनों संख्याओं के बटा में तेरह है, दोनों के बटा में समान संख्या होनी चाहिए। अगर दोनों के बटा में समान संख्या है तो ये प्रक्रिया इतनी बड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम सीधा ही करते हैं, ऊपर वालों का जोड़ छः और सात तेरह, नीचे वालों का लघुत्तम बटे में तेरह, तेरह में तेरह का भाग दें एक। नीचे वालों का योग नहीं किया जाता, नीचे वालों का योग भिन्न में कभी नहीं किया जाता, सिर्फ ऊपर वालों का योग होगा, और वो भी तब होता है जब नीचे वाली संख्या एक समान हो। अब हम देखेंगे, ये तो मैंने बताया एक समान होने पर, अब हम देखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य संख्याओं में भी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आते। जैसे कि हमारे सामने संख्या आ जाए तीन बटे पाँच प्लस में दो बटे सात, तो देखिए दोनों ही संख्याएं अभाज्य हैं। अब अभाज्य की बात आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता उन संख्याओं को छोड़कर, यानी पाँच में सिर्फ पाँच का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता, सात में सिर्फ सात का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें खुद का संख्या का भाग तो जाता है उसको छोड़कर के और किसी का भाग नहीं जाता। जैसे कि अभाज्य संख्याओं के अनेक उदाहरण देख सकते हो आप, दो एक अभाज्य संख्या है क्योंकि दो को दो, दो को छोड़कर दो में किसी का भाग नहीं जाता, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर ग्यारह, फिर तेरह, फिर सत्रह, फिर उन्नीस, फिर तेईस, इस प्रकार से ये संख्याएं चलती रहती हैं। आगे ऐसी संख्याएं आप अनंत छांट सकते हैं जिन संख्याओं में खुद का भाग तो जाता है लेकिन और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। ऐसी संख्याएं जब बटा में आ जाएं और फिर आपको लघुत्तम लेना हो, क्योंकि भिन्नों के जोड़ में लघुत्तम लेना ही पड़ता है, जब लघुत्तम लेना हो अभाज्य संख्याओं का तो उनका गुणा हो जाता है पाँच गुणा सात, दोनों ही संख्याओं का गुणा ही इनका लघुत्तम होगा। अब लघुत्तम लेकर के फिर से वापिस नीचे वाली संख्या का भाग देना होता है। जब पाँच गुणा सात में पाँच का भाग दे तो पाँच कट जाएगा, बचेगा सात। अभी सात को ऊपर वाले तीन से गुणा कर देंगे, सात गुणा तीन प्लस, अब सात का भाग दें सात कट जाएगा, बचेगा पाँच, पाँच को ऊपर दो से गुणा हो जाएगा, दो गुणा पाँच। अब ये आ जाएगा आपके सामने तीन सात इक्कीस, ये आ जाएगा पाँच दूनी दस, बटे में ये आ जाएगा सात पंज पैंतीस। अब ऊपर वालों का जोड़ कर दें, इक्कीस और दस इकतीस, बटे में पैंतीस। इस प्रकार से हम इसको, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और देखें क्वेश्चन, वैसे तो ये टॉपिक छठी सातवीं और आठवीं के लगते हैं लेकिन किसी भी क्लास का स्टूडेंट, चाहे नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, इलेवेंथ ट्वेल्थ किसी भी क्लास में हो, चाहे वो किसी क्लास में नए हो, व्यवहारिक ज्ञान अपना बढ़ाना चाहता हो, तो कोई भी इनसे मैथ के बारे में सीख सकता है, क्योंकि मैथ में ये संख्याएं बहुत जगह आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में आती हैं। देखिए आगे, जैसे तीन बटे सात प्लस में पाँच बटे
13, ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं, 7 में और 13 में भी किसी का भाग नहीं जा रहा है। इसको हल करना है तो हल करने के लिए लघुत्तम लेना पड़ता है, दोनों अभाज्य संख्याएं तो लघुत्तम दोनों का गुणा ही आ जाएगा 7 × 13। 7 का भाग लगाएं तो 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें भाग देना होता है, 7 × 13 में 7 का भाग दें 7 कट जाएगा, बचेगा 13, जो बचेगा उसका ऊपर वाले से गुणा करना है तो 3 × 13 प्लस, जब 13 का भाग लगाएं तो 13 कट जाएगा, बचेगा 7, इस 7 का गुणा करें ऊपर 5 से तो 7 × 5। अब देखिए ये 13 को 3 से गुणा करें 39, 7 को 5 से करें 35, और 13 × 78 13 × 7 91 नीचे गुणा करें तो अब इनका जोड़ें 9 × 5 = 14 का चौका आंसर लगी 1 × 3 = 3 6 × 1 = 7 74 / 91। यदि किसी संख्या का भाग इसमें जा रहा है तो दे दीजिए, अगर नहीं जा रहा तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपका अंश बड़ा आ जाए हर छोटा आ जाए तो नीचे वाली का ऊपर वाली में भाग देकर या तो उत्तर मिश्र भिन्न में दीजिए या तो उत्तर दशमलव भिन्न में दीजिए। आगे देखें, अब हम ऐसी संख्याएं लेंगे जिनके बटा की संख्या अभाज्य न हो, जैसे 3/20 प्लस 5/15, 7/15। अब देखिए, अब इनका गुणा करके लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये इनमें नहीं होती, ये भाज्य हैं। 20 में भाग जा रहा है, 20 को छोड़ करके 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो ये संख्या भाज्य संख्या है। 15 के अंदर भी देखिए 3 का भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो ये भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं का लघुत्तम लेने के लिए छोटी क्लासों में 5वीं 4वीं 6वीं में लघुत्तम सिखाया जाता है। इस प्रकार से दोनों संख्याओं का लघुत्तम लेंगे, किसी बच्चे को लघुत्तम लेना नहीं आता हो तो वो देख सकता है कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी संख्या का भाग दें जो अभाज्य हो, यानी इनमें से आए और उसका किसी एक में भाग जाना चाहिए। तो 20 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, अगर 20 में 2 का भाग दे दें तो 2 × 2 ऊपर से उतार लिया 0, जब भी कभी ऊपर से 0 उतरेगा तो भाग टूटेगी, 0 लगती है तो 10 आ जाएगा, पता ही है 10 × 20 होता है, 10 आ जाएगा। 15 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, और जब भाग नहीं जा रहा हो तो भाग भी देना नहीं होता, और पॉइंटों में तो भाग बिल्कुल नहीं देना यार उत्तम लेते इसमें, तो 15 में भाग नहीं जा रहा तो 15 का 15 आ जाएगा। अब फिर से 10 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 10 में दें, 2 × 5 = 10, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 15। अब देखिए 2 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, 2 के बाद अभाज्य संख्या होती है 3, 3 का भाग देखिए 15 में जा रहा है, 3 × 5 = 15 होते हैं, तो 15 में 3 का भाग दें 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगा, 5 में तो जाएगा नहीं 3 का भाग, 5 का 5 ही आएगा, 15 में 3 का भाग दें तो 5 आ जाएगा। अब दोनों में देखिए 5 का भाग जा रहा है तो 5 × 5 और 5 × 5, जब सभी संख्याएं लास्ट में एक एक आ जाएं तो इनका मल्टीप्लाई करवाएं यानी गुणा कर दें, इनका जो गुणा करेंगे वो ही एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालें, 2 × 2 × 3 × 5, 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 30 और 30 × 2 = 60, गुणा ऐसे किया जाएगा 5 का 3 से 15, फिर 15 को 2 से 30, फिर 30 को 2 से 60, कंटिन्यू गुणा हो तो ऐसे आगे से आगे गुणा बढ़ते जाते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारा 60,
एलसीएम के अंदर इसका भाग देना होता है नीचे वाले का हर का, जैसे 20 का भाग 60 में दें तो 20 तीय 60 होते हैं, भागफल आ गया 3। जो भागफल आ गया उसका ऊपर अंश के साथ गुणा किया जाएगा, यानी 3 × 3 प्लस फिर 60 के अंदर 15 का भाग दें, 15 × 60 4 आ जाएगा। अब इस 4 को गुणा करना है 7 से, 4 × 7 क्योंकि जो भागफल आएगा उसका अंश के साथ गुणा होगा। अब ये आ गया 3 × 3 = 9, ये 7 × 28 बटे में आ गया 60, 9 × 8 = 17, 2 × 1 = 3 और 60, तो उत्तर आ जाएगा 37/60। इस प्रकार के अनंत क्वेश्चन बुक्स में एग्जाम में आते रहते हैं, जिस किसी को नहीं समझ में आए वो कमेंट में पूछ सकता है या फ़ोन नंबर पे पूछ सकता है। देखें आगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो देख करके बच्चे समझें, हो सकता है बच्चों के समझ में नहीं आए तो गार्जियन भी देख करके आसानी से इनको समझ सकते हैं और गार्जियन अपने बच्चों को फिर वापिस समझा सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे देखिए, इसके बाद जैसे संख्याएं 3 आ जाएं, 2/5, 3/25 और 7/15, 3 संख्याएं आ जाएं, 4 संख्याएं आ जाएं, 5 आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, करने का तरीका वही रहेगा। 1, 2, 3 संख्याएं हर में, तीनों संख्याएं अभाज्य तो है नहीं, ये तो अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है, 5 का भाग जा रहा है इसमें, ये भी भाज्य है, 3 का और 5 का भाग जा रहा है, तो भाज्य संख्याएं अगर आ जाएंगी तो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। 5, 25, 15। अब देखिए 3 का भाग जा रहा है इस संख्या के अंदर, तो 3 अभाज्य संख्या होती है, 3 का भाग दें 5 में नहीं जाएगा 5 आ जाएगी, 25 में नहीं जाएगा 25 आ जाएगा, 15 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, 3 × 5 = 15, तो 15 में जब 3 का भाग दिया तो भागफल आ गया 5, भागफल को ही नीचे लिखा जाएगा। अब देखिए सभी संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है, 5 भी है अभाज्य संख्या है, 5 का भाग 5 में देंगे 1, 5 का भाग 25 में दें 5 × 5 = 25, तो आ जाएगा 5 और फिर 5 का भाग 5 में दें तो 1, और अब की बार 5 का भाग जा रहा है इसमें 1 में नहीं जा रहा 1 आ जाएगा, 5 में देंगे 1 आ जाएगा, 1 में नहीं जा रहा 1 आ जाएगा। 3 संख्याएं थी, तीनों के स्थान पर 1, 1, 1 आ गया, अब इनका गुणा कर दें वही लघुत्तम हो जाएगा, 5 × 5 × 3, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75, तो एलसीएम आ गया 75। अब देखें 5 का भाग 75 में दें, 5 × 5 बच गया 2, 5 × 5 = 25, 15 आ गया भागफल। वही तरीका है करने का, हर का भाग देंगे लघुत्तम में, उत्तर आया 15, इस 15 का ऊपर अंश के साथ गुणा करेंगे, 2 × 15 प्लस 25 का भाग 75 में दें, 25 × 3 = 75, 3 का ऊपर 3 से गुणा हो जाएगा, 15 का भाग 75 में दें 15 × 75, 5 आ जाएगा, 5 × 7। आगे देखें 2,
पंद्रह दुनी तीस, तीन तीय नौ, सात पंज पैंतीस बटे पचहत्तर। तो तीस और पैंतीस पैंसठ, पैंसठ और पाँच सत्तर, चार चौहत्तर बटे में पचहत्तर। तो उत्तर आ जाएगा चौहत्तर बटे में पचहत्तर। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमें तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, हमें और ज़्यादा समझने की क्या ज़रूरत है, ये तो छोटी क्लासों में लगते हैं, आगे इनका काम ही क्या होता है। तो मैं बता दूं कि इन सवालों का काम हर जगह पे होता है, चाहे नाइन्थ का मैथ हो, टेंथ का मैथ हो या आगे हो। ऐसे सवाल यदि नहीं आएंगे तो आगे भी सवाल नहीं आते, क्योंकि आगे जैसे नौवीं दसवीं में क्वेश्चन देखे होंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, एक प्लस साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस एक कोस थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा। तो भले ही संख्या चेंज हो गई हो, भले ही क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया हो, लेकिन सिस्टम यही है, वैसे ही भिन्न है। एक प्लस साइन बटे कोस एक भिन्न हो गई अंश बटे हर, वैसे ही कोस बटे एक प्लस साइन एक भिन्न हो गई, बीच में प्लस आ गया, यानी ऐसे ही जोड़ना है दोनों को। जैसे इनको जोड़ रहे हैं हम, वैसे ही एलसीएम इसका लिया जाता है। इसका एलसीएम और भी आसान होता है, जैसे इसमें तो फिर भी हमें एलसीएम निकालना पड़ता है, इसमें तो सारी अभाज्य संख्याएं दिखाई दे जाएंगी साहब, इसमें साइन है, इसमें कोस है, भाग नहीं जाता, कोस का साइन में नहीं जाता, साइन का कोस में नहीं जाता। तो दोनों का गुणा ही लघुत्तम होता है, कोस थीटा और एक प्लस साइन थीटा। जैसे इसमें एलसीएम लिया जाएगा, इसमें भी एलसीएम हो जाएगा, जैसे अभाज्य संख्याओं का लिया था ना दोनों का गुणा करके, वैसे ही गुणा करके एलसीएम आ रहा है। वैसे इसका भाग दिया जाएगा कोस थीटा का, कोस थीटा कट जाएगा, एक प्लस साइन बचेगा, इसको ऊपर एक प्लस साइन से गुणा हो जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम इसी प्रकार से होता है। अगर ये सही से आते हैं तो इनको समझने की जरूरत नहीं होती, अपने आप आते हैं। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन।